बेटा ऑडियो आ रहा है? हाँ यस सर, सर, यस सर, सबको आ रहा बेटा ऑडियो? यस सर, यस हाँ बोल रहा हूँ बेटा, ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया थ्योरी? हाँ सर, थ्योरी कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? यस सर, हाँ सर, हाँ सर, आप क्या बेटा बताए थे ना कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा, ठीक यस सर, है? तो क्वेश्चन आंसर आलोक सर डिस्कस कराएंगे, ठीक सर आपका स्क्रीन पे जा रहा था फिर चला गया, अब वॉइस भी कट गया सर हाँ आपका। सर, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, आप आ रहा है। बोल रहे बेटा क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस हो रहा होगा आलोक सर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराएंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोग का ऑनलाइन क्विज लूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, ऑफ द सर, सेम चैप्टर, क्या बेटा? ऑफ द सेम चैप्टर, हाँ, इसी चैप्टर का क्विज होगा, समझिए बात को। सर नोट्स लिखाएंगे, क्वेश्चन आंसर लिख नोट्स लिखाने वाले, और मैं जो होगा उसका ऑनलाइन क्विज लूंगा। किसी को डाउट बेटा? नो सर, नो चलिए सर, बढ़िया, नो सर, अच्छे से लिखना है, सुनेंगे। टॉप 3 को बेटा प्राइज मिलेगा क्विज में। सर क्या मिलेगा सर? अरे वो बता देंगे, अब वैसा नहीं है कि आप आईपैड मिलेगा और आईफोन मिलेगा, समझे? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है? और इस सिचुएशन में सब कोई सेफ हो, आई होप, यस ठीक सर, है? यस एकदम सर, सब सेफ रहो, अपने हेल्थ का, फैमिली के हेल्थ का ख्याल रखो अच्छे से, बस ठीक है? ओके, पुराने बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे, जो 9 में थे बहुत यस सर, कम। हाँ, अनुष्का है, दीप नील है, आर्या है और सुप्रतिम है, अच्छा श्रद्धा भी है, अच्छा चलो ठीक है। चलो तो जैसे थे हम लोग, तो आपको तो पता है हम लोग क्या करने वाले, जो चैप्टर हो गया उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले, ठीक है? तो ये ओवरऑल है, रिवीजन के टाइप भी होता है। वॉइस क्लियर है ना? हाँ यस सर, सर, यस हाँ सर, यस ओके सर, ओके ओके। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन तो नोट डाउन करके चलना है, ठीक है? जब भी क्लासेस ऑफलाइन हो रहा बाद में, तो हम लोग ये कॉपीज चेक करेंगे, तो क्वेश्चन तो नोट डाउन करना है, उसके बाद आंसर नोट डाउन करना है। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो, तो क्या बोल रहा है? व्हाई इज दैट व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल द रिएक्शन इज ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी एक मेटल रिएक्ट कर रहा है इसके साथ नॉन मेटल के साथ, देन रिएक्शन इज ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलो, तो सब तो पढ़ाई हो चुका है, हम जिससे पूछेंगे वो पहले हम तो आंसर देना। इसका नाम फर्स्ट में है आलुष कुमार। आलुष बताओ, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? सर, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर साइमल्टेनियसली। ओके, वेरी गुड। अ रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये तो हम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ वो क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ रिलेटेड जितने भी टर्म्स आएंगे सारा डिस्कस करेंगे।
उससे दो बेनिफिट होता, तभी ना तभी बाद में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, उस टाइम पर रिविजन होता तो हम लोग का टॉपिक स्ट्रांग होगा, और सेकेंड जो भी रिविजन थे टाइम पे या फिर जो क्लास थे टाइम अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा वो अभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभिमन्यु पॉल, अभिमन्यु बताओ ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या था? सर रिएक्शन इन विच वन मेटल गेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर अनदर मेटल, वन मेटल गिव्स ऑक्सीजन, गेन्स ऑक्सीजन, अच्छा गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। दैट मीन इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, यही ना सर, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सर, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड। और भी कोई डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का? अच्छा अभिमन्यु तुम बोले थी, अभिमन्यु तुम बोले थी कोई मेटल देन करेगा ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सॉरी सर, एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा, हाँ वही हम बता रहे थे, नॉट नेसेसरी वो मेटल हो, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। चलो और कोई प्रोसेस पता है ऑक्सीडेशन का? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। और कुछ सर? एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, वेरी गुड, ये भी चलेगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। और कुछ? एक सेकंड बच्चों, बड़ा बड़ा लिख दो, अच्छा আমি বল লিখে দেবো, তুমি চালু করো, ওইটাতেই বল লিখে দেবো, ঠিক আছে, সরি টু ডিস্টার্ব। চলো তো ইয়ে থা এডিশন অফ নন মেটাল, ওকে। আর কোই প্রসেস পাতা হ্যায় কিসি কো? স্যার অফ অক্সিডেশন, হ্যাঁ ফর অক্সিডেশন, तो हमें बता दें यहाँ पर याद रखना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत अच्छी बात है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। नाउ द क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पता है सबको? यस सर, ठीक है, क्या होता है दीपनील? सर ऑक्सीडेशन नंबर सर रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट सर व्हेन इट इज एक्टिंग रिएक्टिंग बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। हाँ एकदम, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ जो चार्ज वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, चार्ज तैयारेड बाय एटम और मॉलिक्यूल, जो भी वो चार्ज तैयारी कर रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन होते, ड्यूरिंग रिएक्शन जो चार्ज तैयारी कर रहा है उसी तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको याद रखते हैं, इसको हम लोग बाद में अगर कभी आएगा तो हम लोग इसको सही से डिस्कस करेंगे। अब रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा इसका उल्टा? Yes, losing of oxygen, losing of oxygen, the gaining of hydrogen, gaining of electron, removal of non-metal, हाँ रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, या फिर क्या बोल सकते हैं एडिशन ऑफ मेटल, मेटल्स, और यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया सबको? किसी को डाउट है ये फाइव टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में, मतलब ऑक्सीडेशन को हम लोग ये फाइव टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को डाउट है इसमें?
नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल रहे, देखो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोल रहे ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो एक एग्जांपल लेते समझते हैं। कोई भी एक मेटल बताओ, सोडियम। और कौन सा नॉन मेटल के साथ ऐड करवाए? क्लोरीन। ठीक है, Cl2 क्या बनेगा? NaCl। NaCl ठीक है, बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग हम लोग बाद में देखेंगे। चलो तभी बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन तीसरा हुआ है, व्हिच वन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड? व्हिच वन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड? सोडियम। सोडियम सर, एज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ? ये हुआ है ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ है? देखो क्या ऐड हुआ है इसके साथ? नॉन मेटल तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और इसके साथ कौन ऐड हुआ है? सोडियम, मतलब मेटल ऐड हुआ है। तो इसका क्या होगा? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन सर, रिडॉक्स हो गया। ठीक, हाँ, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड। ओके, तो कोई भी मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन लेंगे वहां पर हमेशा ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, बिकॉज मेटल के साथ नॉन मेटल ऐड हो रहा है, नॉन मेटल के साथ मेटल ऐड हो रहा है। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑलवेज ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए तो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज तभी भी हम लोग जब भी मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन, जस्ट बिकॉज दे आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर। एंड फ्रॉम द डेफिनेशन we can say that these type of reactions are redox reaction, in which one part is being reduced, another part is being oxidized simultaneously. Okay, simultaneously metal and non metal are being oxidized and reduced. Chalo, note down karo isko. सर मेरा ना स्क्रीन हेजी आ रहा, तो इस स्क्रीन का सर स्क्रीनशॉट चाहिए होगा मुझे सर, तो कोई भेज सके हो तो अच्छा होगा। स्क्रीन के साथ क्या चाहिए सर? मतलब सब हेजी आ रहा है सर, इसलिए मेरा कोई स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं तो अच्छा होगा सर। अच्छा, तो किसी तरह अगर क्लियर है तो वो स्क्रीनशॉट लेते रख दो, बाद में ग्रुप में सेंड कर देना, या पर्सनली भी उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो सब तो नोट डाउन हुआ। जस्ट अ मिनट। यस सर। ये लोग अभी ज्वाइन कर। यस सर, हो गया। हाँ, एक सेकंड, दो स्टूडेंट वेटिंग रूम में है, एडमिट कर दें। ओके। चलो अब हम तो एक बात सिर्फ बताओ, इन दिस रिएक्शन सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? 2। हाँ सर, 2। 2, अच्छा 1, अच्छा, और किसी को? आई डू थिंक इट्स 1 सर। 1 One. Sir, because it's the charge, right? The charge is plus 1. अच्छा, ठीक है। 1 बोल रहे हो ना मैक्सिमम लोग, और एक जन बोले 2। हम सर इसको बैलेंस करेंगे तो फिर तो 2 ही होगा ना। बैलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम बैलेंस कर देंगे ना फिर भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो अगर कंफ्यूजन है तो बैलेंस कर देते, यहाँ टू आ जाएगा और यहाँ टू आ जाएगा ना, फिर हम बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने से भी ऑक्सीडेशन नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग जो वन या टू बोल रहे हो, इस नंबर तो बोल रहे हो क्या? तो सर, सर चार्ज को, सर सोडियम का चार्ज नहीं होता है और दो, ये दो एटम उसमें मिला हुआ है। सर वो टू तो, सर टू तो कोई चार्ज नहीं है ना वहाँ पर। हाँ टू चार्ज नहीं है, टू क्या है, नाइन में पड़े थे। ये टू क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, सोडियम तो यहाँ पर होता है जीरो, क्लोरीन तो यहाँ पर होता है जीरो। अब पूछो लेती हूँ, ठीक, आई थिंक किसी तो पता नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ ये पता है कि वो सिर्फ चार्ज होता है। सर वो भी नहीं पता था। अच्छा वो भी पता नहीं था, अच्छा ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है जो चार्ज तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो चार्ज तैयारी कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो याद रखना, सर पे अगर कोई चार्ज, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख रहे हैं Na प्लस लिखे हैं, Mg2 प्लस लिखे हैं, एल्यूमिनियम 3 प्लस लिखे हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ठीक है, नाइन वाला थोड़ा सा पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे तो समझ में अभी आ जाएगा। थोड़ा याद करो, ये जो सर पे जो चार्ज आया, ये चार्ज कैसे आया था पहले वो बताओ। इलेक्ट्रॉन लेने से एक चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एक चार्ज आता है। After the donating of electron, कौन सा चार्ज होता है? The positive. Positive. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के बाद? Negative. Negative. ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है? एक। One. तर एक। ठीक है। मैग्नीशियम? Two. 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 ठीक है। एल्यूमिनियम? Three. होते हैं। अब बात तो समझो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो Na प्लस बना, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस किया वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला दिया, फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन उसको एक्सेप्ट किया इसलिए वो बना माइनस, ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट किया क्या बना, माइनस टू, दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाला। सिमिलरली नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो तीन माइनस। ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है ना, ये इसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम पे, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या जितना इलेक्ट्रॉन लिया उसको क्या बोलते थे, नाइन में उसको क्या बोलते थे, वैलेंसी। वेरी गुड, वेरी गुड, वैलेंसी। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स है जो नए स्टूडेंट्स है सबको आई थिंक ये पता होना चाहिए। ठीक है, माय स्कूल में भी पढ़ाया गया था, अदर्स भी तुम लोग जरूर पढ़े होते, सिर्फ अभी थोड़ा सा भूल चुके होते ज्यादा। तो वैलेंसी, तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये वैलेंसी होता है। लेकिन तब जब एटम फॉर्म में है, एटम या सिंगल एटम है, सिंगल एलिमेंट है, तब हम लोग उसको वैलेंसी तो ही बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कंपाउंड में ये वैलेंसी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कंपाउंड में। चलो देखो इस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, वन। मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, थ्री। क्यों, क्योंकि सर पे हम लोग चार्ज देख पा रहे, सोडियम कंटेंट्स प्लस वन चार्ज, मैग्नीशियम कंटेंट्स प्लस टू। लेकिन यहाँ पर सोडियम कोई चार्ज था, देखो तो कोई चार्ज दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब चार्ज हो जाएगा जीरो। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो चार्ज हो जाएगा मेरा जीरो। लेकिन तब when element is present in isolated, ये देखो अकेला बैठा हुआ है, जब isolated state पे है तब उसके सर पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो हो जाएगा मेरा जीरो। Yes sir. Similarly देखो क्लोरीन, ये भी अकेला बैठा हुआ है तो इसका भी चार्ज हो दिया मेरा
जीरो। ठीक है, लेकिन देखो NaCl जब बना, अब तो सोडियम अकेला नहीं है, Cl भी अकेला नहीं है, दोनों आपस में कंबाइन कर चुका है। तो जब कंबाइन करेगा तब जनरल जो वैलेंसी होता है, मोस्ट कॉमन जो वैलेंसी होता है, वही हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम का मोस्ट कॉमन वैलेंसी कितना है? सोडियम का तो एक ही वैलेंसी होता है, दैट इज प्लस वन। प्लस वन। तो यहाँ पर सोडियम कितना चार्ज लिया हुआ है? प्लस वन। और Cl कितना? माइनस वन। वेरी गुड, ये बात सब तो समझ में आया। इसमें किसी तो डाउट है तो पहले बताओ। नो सर। एनी वन? किसी का डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है सर, मतलब कोई एक एलिमेंट रहेगा तो उसका चार्ज जीरो होगा? हाँ, अगर ये एलिमेंट अकेला बैठा हुआ है, आइसोलेटेड बैठा हुआ है, तो उसका चार्ज जीरो होगा। ठीक है, आइसोलेटेड रहेगा तो उसका चार्ज जीरो होगा। सर अगर वहाँ पे Na के जगह NaCl रहता तो उसका चार्ज जीरो नहीं होता? नहीं होता, जैसे यहाँ पर NaCl है तो उसका चार्ज जीरो नहीं होगा, क्योंकि NaCl में दो अलग अलग एलिमेंट है, कंबाइंड हो चुका है, तब जीरो नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड में क्या होगा, नॉर्मल वैलेंसी तो फॉलो करना पड़ेगा। तब तक जीरो होगा, सिर्फ याद रख लेना, तब हो जाएगा। एक आइसोलेटेड जब एलिमेंट है आइसोलेटेड, और एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये पढ़े थे ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यस सर। कुछ एग्जांपल्स बताओ सर। N2H2Cl2। वेरी गुड, H2N2Cl2P4O2। S8। ये सब तो बोला जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो जीरो होता, हमेशा जीरो होता, ऑलवेज जीरो होता। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो अकेला बैठा हुआ है, वो भी जीरो होता। ठीक, बाकी जब कंपाउंड में रहेगा तो हम लोग नॉर्मल वैलेंसी देखेंगे उसका। समझ में आया? यस सर। चलो पहले इतना नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम थोड़ा रब करेंगे। चलो जल्दी से पहले इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। इतने लेट से ज्वाइन कर रहे, हाफ एन आवर क्लास हो जाए। नोट डाउन हो जाए तो हम तो एक बार बताओ। अच्छा दीप नील हो दिया। ठीक है, सर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक बार समझा देंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं पहले बताओ? कलेक्शन ऑफ टू एट मोर देन वन एटम को मॉलिक्यूल बोलते हैं ना? यस सर। तो देखो यहाँ पर होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो देखो सेम टाइप ऑफ दो एटम, सेम दो एटम प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन, हम अगर यहाँ पर लिखते तो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों Cl है, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नाइट्रोजन है, ये टाइप ऑफ द सेम टाइप ऑफ दो एटम। मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ एटम। अब अगर वो एटम सेम एलिमेंट का है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और अगर दूसरे टाइप का है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट, मतलब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे तो HCl, HCl इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन HCl। आया बात समझ में सर? तो एलिमेंट भी तो सेम ही हुआ ना, एलिमेंट में भी तो सेम एटम के, सेम एलिमेंट के एटम्स वन और मोर देन वन हो सकते हैं। एलिमेंट के अंदर हम लोग एटम देखते हैं ना, एटम के अंदर तो एलिमेंट नहीं ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उससे बहुत सारे एटम्स है जिसमें से दो एटम आपस में कंबाइन करते हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। ऐसा थोड़ी बोलते थे हाइड्रोजन एटम है और दो एलिमेंट मिला तो मॉलिक्यूल बनाया। फिर से यस। ठीक है, तो वही बात है, हाइड्रोजन एलिमेंट है
उसका दो एटम मिलाकर ये बॉन्ड बनाया और ये हो गया हेटेरो एटम। चलो नोट डाउन हुआ सबका? यस यस सर। कोई है जिसका नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है ऑलमोस्ट, तब आई थिंक सबका हो गया। चलो हम थोड़ा सा ही रब करते हैं, ज्यादा नहीं, ताकि समझ में आ जाएगा। चलो देखो हम क्या बोले थे डेफिनेशन में, डेफिनेशन नोट डाउन किए थे आई होप। तो हम बोले थे कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग बोले थे ऑक्सीडेशन, ठीक ना। यहाँ पर देखो जीरो से प्लस वन सोडियम का बढ़ा या घटा? सब बढ़ गया, सब बढ़ गया, बढ़ गया। चलो ये रिएक्शन तुम वापस से यहाँ लिख रहे हैं, तो देखो इससे बैलेंसिंग करे या ना करे कोई प्रॉब्लम हुआ? सोडियम अकेला है जीरो, Cl2 अकेला है जीरो, यहाँ कंपाउंड है तो कॉमन बैलेंसी, सोडियम का प्लस वन Cl का माइनस वन, तो ये क्या हुआ यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, और जीरो से माइनस वन क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, डिक्रीजेस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का मतलब हुआ रिडक्शन। तो ये हमेशा होगा जितना बहुत, ठीक है ये हमेशा होगा। और आप अभी तो 10 में हो, कुछ महीने बाद अभी 11 में उठोगे तो वहां पर क्या होगा इसी कॉन्सेप्ट से ज्यादातर हम लोग तो सॉल्व करना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज तो देखना है। तो हम लोग अभी से इस तो समझ लिए कि फ्यूचर में जाते हैं अब बहुत काम आने वाला है, समझ में आया? तो इसे तो डाउट है इसमें तो देख लो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज वाला देख लो, इसे तो डाउट है तो पूछ लो। सर बस इसे क्लियर कर दें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर, मतलब क्लियर कर दीजिए ना सर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो चार्ज है किसी भी एक एटम के ऊपर या फिर तो ये ग्रुप ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा चार्ज अपने ऊपर लिया हुआ है, जो चार्ज वो कैरी कर रहा है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, उस चार्ज को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब चार्ज ही को ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं ना सर, जो चार्ज वो रिएक्शन थ्रू वो कैरी किया उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सेतन वाला लिए थे तो उसी को लेते हैं, मैग्नेशियम प्लस ओ टू और क्या बना MgO। तो देखो यहाँ मैग्नेशियम कैसा है आइसोलेटेड एलिमेंट है ना, यस सर, तो क्या होगा जीरो जीरो। ओ टू किसका एग्जाम्पल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक, तो जीरो जीरो। अब ये क्या हो गया कंपाउंड, तो मैग्नेशियम का मोस्ट कॉमन क्या है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, दैट्स मीन ऑक्सीडेशन। और अगर इसको ऑक्सीजन वाला देते तो ऑक्सीजन वाला क्या हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, ठीक, दैट्स मीन रिडक्शन। क्लियर, कोई भी एग्जांपल ले लो ये कांसेप्ट वहां पर काम आ ही जाएगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर किसी को और भी कोई एग्जांपल में डाउट है तो इस एग्जांपल में कैसे होगा बताओ, उसमें भी हो जाएगा, ठीक है, ये हमेशा होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन। सर ये इस क्लास में नहीं आएगा? हाँ सर ये इस क्लास में आएगा,
देखो अदर मतलब ये जो भी कुछ रिएक्शंस रहे अदर कुछ लिया थी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे दिखाओगे, तो इसमें ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना ही यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाओगे, एक दिखा पाओगे कि हाँ नॉन मेटल ऐड हो रहा है, द्वितीय क्वेश्चन का पार्ट था, और ये वाला बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है साइमल्टेनियसली, इसलिए इट इज ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन। Sir, please repeat once. Which one? Sir, अभी जो बोले अभी हम यही बोले कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो तो मेरा रिडॉक्स रिएक्शन है ही, ठीक है, बिकॉज साइमल्टेनियसली मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्टिंग विद ईच अदर, ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट हियर मेटल फॉर द मेटल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस एंड फॉर नॉन मेटल ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, so oxidation and reduction takes place simultaneously, so this type of reaction is always redox reaction. Okay sir, ठीक है, now the question number one is totally complete. अब इससे बाहर इसमें और कोई concept नहीं है, ठीक है, clear है सबका, अब जल्दी से बताओ yes sir, फिर आगे बढ़ेंगे. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. ओके चलो बहुत अच्छा, किसी दादा नहीं हुआ होगा छूटा हुआ रहेगा तो वो बोलना, ठीक है, ओके आई होप नोट डाउन कर चुके हो. यस सर. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले, व्हाट आर द टू मेथड्स व्हिच कैन प्रिवेंट द रैंसिडिटी फैटी फूड्स, व्हिच कैन प्रिवेंट द डेंसिटी फैटी फूड्स, दिस इज द मेन पोर्शन. चलो ये हम नहीं बताएंगे, ये तुम लोग हमको आंसर बताओगे. सर फर्स्ट मेथड क्या है बताओ. सर बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. बाय सर बाय कीपिंग देम इन एयरटाइट कंटेनर्स. ओके बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. सर एडिंग टेन टू गैस. Yes, then by keeping airtight bottle. क्या बोल रहे हो अभी बोलो. Sir, by adding N2 gas, nitrogen. हाँ, by adding inert gas. हम लोग लिख सकते हैं उसको. Yes, sir. Yes, sir. Inert gas light. मतलब यहाँ पर inert का मतलब हुआ थी जो reaction नहीं किया, ठीक है. Normally हम लोग inert gas कौन किसको बोलते हैं? जो किसी के साथ ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं करता. हाँ मतलब नोबल गैसेस तो भी हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर नोबल गैस नहीं, यहाँ पर इनर्ट गैस मतलब होती है नाइट्रोजन, जो कि बेसिकली चिप्स के पैकेट में होता है, कुरकुरे वाला जो पैकेट होता है उसमें होता है, ठीक है, ये सब पैकेट में जो एयर रहता है वो एक्चुअली एयर नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है. ठीक है, तो हम लोग जो भी फैटी फूड से उसको एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, एयर टाइट बॉटल में रख सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन गैस में उसको रख सकते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह बनता है. रीजन क्या है, देखो फैटी फूड्स रैंसिड तब होता है जब फैटी फूड्स गेट एक्सपोज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब एयर, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है. अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन फॉर्म करेगा सर. ऑक्सीडेशन, हाँ, तो ऑक्सीडाइज कंपाउंड फॉर्म करेगा. बस ये जो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है यही मेरा उस कंपाउंड को खराब कर दे रहा है, मतलब ये फैटी फूड्स तो वो रैंसिड बना दे रहा है. तो हम तो ये एयर तो नहीं लाने हैं, ये एयर तो मतलब हम तो प्रिवेंट करना है कि ये एयर जो है ये फूड के आसपास मतलब कॉन्टेक्ट में ना आ जाए, इसीलिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं. ये ज्यादातर ऑक्सीजन तो अटैक कर देता है, फूड के साथ आने नहीं देता, एयर टाइट कर दिए, एयर अंदर गया ही नहीं तो फूड मेरा बचा हुआ है. नाइट्रोजन दे देंगे तो क्या होगा, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ फूड को रिएक्शन करने नहीं देगा, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ मेथड्स वी कैन यूज टू प्रिवेंट फैटी फूड्स बिकम रैंसिड. क्लियर? यस सर. यस सर. नोट डाउन करो. ओके सुप्रतिम हूँ, डन सब तो हुआ.
ओके यस सर डन ओके ओके डन ओके चलो ठीक है ठीक है आई होप तब मैक्सिमम लोग रहता हो गया चलो किसी का छुटा रहता तो बोलना चलो ये तो यहाँ पर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पहले नोट डाउन करना यहाँ पर दिखाने बोला है फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पर साइड में कर लेंगे एक्सक्यूज मी सर सर आप रिकॉर्डिंग चालू किए हैं रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी नहीं है क्या नहीं है सर नहीं ओबीएस में तो शायद होना चाहिए देखते हैं नहीं सर लेकिन इधर रिकॉर्डिंग का जो सिंबल आया सर वो नहीं आ रहा नहीं नहीं है 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 वो ओबीएस में रिकॉर्डिंग हो रहा है ओ देन ओके सर हाँ ओबीएस में मतलब जूम वाला रिकॉर्डिंग थोड़ा हेजी आ रहा है सुबह से इसलिए ओबीएस में हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलो क्वेश्चन नोट डाउन हो दिया आई होप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तो बोलते हैं सर इक्वेशन क्या लिखा है दिखाने दे रहा है आ रहा है कौन सा सर इक्वेशन जो है ना नहीं नहीं समझ में आ रहा है प्रीवियस पेज सर वो इक्वेशन बोल रहा है इक्वेशन पढ़ देंगे एक बार अच्छा इक्वेशन पढ़ देंगे इक्वेशन लिखा हुआ है पीबीएस लेड सल्फाइड पीबीएस प्लस 4 H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड PbS plus 4 H2O2 arrow PbSO4 lead sulfate plus 4 H2O water ठीक है ओके ओके चलो अनिमेश टू डू अनिमेश बताओ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ दिया नाम अभी तो था अच्छा बाहर चला दिया अच्छा ठीक है आदित्य शर्मा बताओ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नो रेस्पॉन्स आदित्य कुमार सिंह यस सर व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर ये इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है नहीं नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है नॉर्मली हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं सर हु रिड्यूसेस द अदर एलिमेंट सॉरी क्या व्हाट वापस से बोलो नहीं नहीं समझ में आया द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर मींस हु रिड्यूसेस द अदर एलिमेंट और कंपाउंड रिड्यूसेस अदर्स तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा अनुष्का खुशी शर्मा और तो बताओ खुशी सर सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा ठीक है और किसी तो कुछ और बोलना है एनीवन ट्राई टू से एनीथिंग सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस्ड बाय इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस द अनदर हाँ, मतलब एकदम सही है तुम जो बोल रहे थे वो उल्टा बता दिया आदित्य ठीक है समझ में आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजेस अदर्स दूसरे तो ऑक्सीडाइज करेगा एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ सिमिलर अगर हम लोग बताएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स बट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ जो खुद जिसका रिडक्शन होता है जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलेंगे जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अब ये ऑक्सीडाइजेस अदर्स रिड्यूस अदर्स इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हो चलो आज हम एक सिंपल सा लाइन बता देते हैं
जनरल लाइफ में एजेंट का टर्म कहीं सुने हो? ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग को छोड़ दो, फैमिली में, रियल लाइफ में कहीं भी एजेंट का नाम सुने हो? यस। कौन सा एजेंट सुने हो? एलआईसी एजेंट, ट्रैवल एजेंट हम लोग सुने हैं ना। मेन इन ब्लैक में भी एजेंट थे। कहां पर? मेन इन ब्लैक मूवी। हाँ ठीक है, मूवी में भी। तो यहाँ पर दो सही समझ में आ जाएगा, एलआईसी एजेंट, ट्रैवल एजेंट। ठीक है, तो एलआईसी एजेंट का काम क्या है? एलआईसी करवाना। अब मान लो कि ये एलआईसी एजेंट कौन है? सपोज ये हम एलआईसी एजेंट है, हम एलआईसी का काम करवाएंगे। हम किसका एलआईसी करवाएंगे, मेरा या तुम्हारा? ट्रैवल एजेंट क्या करता है? ट्रैवल के लिए टिकट वगैरह या फिर प्लेस वगैरह, मूवी का टिकट या फिर कहीं भी जाएंगे होटल का टिकट वगैरह बुक करेगा, ट्रैवल अरेंज करेगा। तो वो अपने लिए करता है या फिर दूसरे के लिए करता है? दूसरे तो ऑक्सीडाइजेशन कराएगा तो खुद तो रिड्यूस होना पड़ेगा ना। हम तुम्हारा एलआईसी एजेंट करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं, तुमसे तो हम पैसा लेंगे। ट्रैवल एजेंट भी जो टिकट बुक कर देगा, ठीक है हम तो नहीं मिल रहे, वो मेरे होते बुक कर दिया तो हम तो उससे पैसा पे चल रहे। तो खुद ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज दूसरे तो कर रहा है वो खुद रिड्यूस्ड हो जा रहा है, और जो दूसरे तो रिड्यूस कर रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। समझ में आया? यस सर। अब हम नहीं बोल रहे, एजेंट से अगर याद रखना है तो एजेंट के सामने जो नाम है वही काम करेगा बट दूसरे का, और नहीं तो उल्टा याद रख लेना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उल्टा वाला, मेरा रिडक्शन होता तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? सर्टिस याद रहा? That means the one who donates oxygen atoms. तीसरा किसका बता रहे हो? सर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ मतलब वो तो जो तुम बोल रहे हो ऑक्सीडाइज, वो तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हो जाती है, ऑक्सीजन डोनेट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन का तो डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके। अब यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा ऑक्सीडेशन हुआ है, तीसरा रिडक्शन हुआ है, तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर बताओ तो तीसरा ऑक्सीडेशन हुआ है, पीबीएस का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, पीबीएस का PbSO4 में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिडक्शन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर में रिडक्शन। इसमें किसी तो डाउट है कि क्यों ये ऑक्सीडेशन बना, क्यों ये रिडक्शन बना? नो सर। नो सर। नो सर। पीबीएस के साथ देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ये लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे लास्ट टाइम इन, तो इतना लेट कर रहे हो तुम लोग, टाइमिंग पता नहीं था या फिर कहीं और कोई क्लास था उसके बाद ज्वाइन कर रहे? बहुत सारे बच्चे आफ्टर 3:30 ज्वाइन किए। तो पीबीएस के साथ देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, PbSO4 बना है, तो ये हो दिया ऑक्सीडेशन। और H2O2 से देखो एक ऑक्सीजन बाहर चला दिया है तो इसका हो दिया मेरा रिडक्शन। तो अभी ऑक्सीडेशन हुआ है PbS था, तो PBS मेरा क्या बनेगा? खुद का ऑक्सीडेशन, अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, अपना ऑक्सीडेशन हुआ है देखो। हाँ सर। PBS ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो PBS मेरा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। PBS मेरा है रिड्यूसिंग एजेंट, और सर वो ऑक्सीडेशन है, और H2O2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, PBS इटसेल्फ
oxidized itself, that's why it is reducing agent. H2O2 reduced itself, that's why it is oxidizing agent. या फिर ऐसे बोल सकते PBS H2O2 को H2O में reduce दिया, PBS reduce others, किसको ना H2O2 को reduce दिया, इसलिए PBS मतलब lead sulfide is reducing agent, और H2O2 PBS तो oxidize दिया, इसलिए H2O2 is oxidizing agent. किसी तो doubt है यहाँ पर तो पूछ लो. No sir. No sir. ठीक है, लिख लो इसको. लिख लो इसको, फिर हम देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे इसी क्वेश्चन में. पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम तो बताओ. ओके हाँ सर, ओके. ठीक है सर, डन. ठीक है सर, डन. ठीक है, ठीक है, ओके ओके. चलो देखो, अब देखो हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, यहाँ पर हर एक एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का मतलब एटम का. यस सर. तो पता चलेगा एक्चुअली किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस एटम का रिडक्शन हुआ है, वो पता चलेगा. ठीक, ऐसे हम लोग देखते क्या बता दिए थे, पीबीएस, ये टोटल पीबीएस टोटल मेरा यहाँ पर पीबीएसओ4 में ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन पूरा तो पूरा कंपाउंड था तो हुआ, लेकिन कंपाउंड में जो मेन एलिमेंट है एक्चुअली जिसका हुआ है वो कौन है? सल्फर. ठीक है, सल्फर तुम बता रहे हो, और यहाँ पर ऑक्सीजन. ठीक है, ठीक है, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ है बोल सकते हो, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर चला दिया इस वाले से बोल सकते हो. इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से. चलो देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक बार वापस से रिएक्शन, ताकि समझ में आ जाए. हम बैलेंसिंग नहीं लिख रहे, ठीक है, हम सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहे हैं, हम तो अल्टीमेट चार्ज चाहिए. बता देना ऑक्सीडेशन नंबर वाला या फिर छोड़ दे. बता दे रहे, हाँ याद रख लो, तुम काम तो आएगा. देखो सल्फर का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, प्लस टू माइनस टू, सल्फर का माइनस टू, सीपी का प्लस टू. हाँ सल्फर नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल का तो माइनस होगा, मैंने पीबी का. हाँ पीबी का प्लस टू, ठीक है, ओवरऑल जीरो. हाइड्रोजन का देखो होता है प्लस वन, अब प्लस वन इंटू टू दैट्स मीन प्लस टू, प्लस टू. अब देखो ये एच टू ओ टू, यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है माइनस वन. ऑक्सीजन का कॉमन कितना होता है, कॉमन हम लोग क्या किए थे, माइनस टू, लेकिन एच टू ओ टू में होता है माइनस वन. अब ऐसा क्यों होता है, देखो ये होता है ओ टू, जहां ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते रहता है, ये हम लोग नाइन में पढ़े थे तो वैलेंट मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो माइनस टू. लेकिन एच टू ओ टू में ये बनता है ऐसा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनता है, फिर इधर एक बॉन्ड खाली रहता है, इधर एक बॉन्ड खाली रहता है, तो जो माइनस टू है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, माइनस वन माइनस वन. फिर यहाँ हाइड्रोजन आया दैट इज प्लस वन, और फिर यहाँ हाइड्रोजन आया दैट इज प्लस वन. तो याद रखना जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है परोक्साइड, ये पता है, और परोक्साइड में हमेशा माइनस वन, अदरवाइज माइनस टू. ठीक, तो सिमिलरली दे दो पीबी था कितना प्लस टू, अब यहाँ सल्फर था निकालेंगे तो ऑक्सीजन था कितना माइनस टू इंटू फोर दैट इज माइनस एट. हाँ देखो ऑक्सीजन था माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू फोर, तो ये सल्फर था कितना बचा, सल्फर तो बचा प्लस सिक्स. यस सर. यहाँ हाइड्रोजन था प्लस वन, प्लस वन इंटू टू, और ऑक्सीजन था माइनस टू. तो देखो सल्फर था माइनस टू था, वहां से सल्फर था कितना हो गया प्लस सिक्स, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। और वाटर के लिए दे तो H2O2 के लिए माइनस वन से माइनस टू बड़ा या घटा? डिक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। बराबर प्लस सिक्स कैसा है, एक बार फिर से समझा दीजिए ना। लेड के लिए कितना? देखो PbSO4 जो यहाँ दिखाई दे रहा है, PbSO4 जो दिखाई दे रहा है, सर पे कोई चार्ज है? नहीं है। सर पे चार्ज नहीं है मतलब ये सारे एलिमेंट का चार्ज जीरो। हाँ, सारे एलिमेंट का चार्ज ऐड करेंगे तो वो आना चाहिए जीरो। अब पीबी तो हम तो पता है, पीबी तो होता है प्लस टू। सल्फर तो पता नहीं है, उसको मान लिए एक। और ऑक्सीजन तो होता है माइनस टू, तो माइनस टू इंटू फोर ये हो गया मेरा टोटल चार्ज। इस तो कितना आना चाहिए? जीरो। तो यहाँ से एथ निकाल लो, ये माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस सिक्स। ओके सर, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो इजी लगे, जो सुटेबल लगे, जो एग्जाम में याद रखते लिख पाओ उससे याद रख लेना, ये तुम्हारे ऊपर है। चलो नोट डाउन करो, हो जाए तो बताओ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो जस्ट अ मिनट। अच्छा चलो क्वेश्चन चेंज करें। That's it then. 6,000 more. गौतम दा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ।
अच्छा ठीक है, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो तो क्या बता चलो। ठीक है इसका नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी है, जल्द नोट डाउन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, इट इज सेड दैट डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, एक्सप्लेन हाउ। ठीक है तो होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड होता है, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक सॉलिड है, एंड कार्बन एंड CO2। तो बोला इस रिएक्शन का इंडस्ट्री में बहुत सारे वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। चलो एक या दो एग्जांपल देते हैं इसको हम लोग समझते हैं, किसी को तो पता है क्या यूज हो सकता है इस रिएक्शन का किसी भी इंडस्ट्री में? क्विक लाइम का, क्विक लाइम यूज हो सकता है सर। सिर्फ क्विक लाइम समझ में आया सर, वो क्या यूज हो सकता है? हाँ इस रिएक्शन का वेरियस इंडस्ट्री में क्या यूज हो सकता है वही पूछा है ना दादा क्वेश्चन, मतलब सर टू प्रोड्यूस लाइट, लाइम होते यहाँ पूछा है इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, तो वेरियस इंडस्ट्रीज में क्या क्या यूज हो सकता है, एक या दो वर्टिस बताओ। एक तो हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस लाइम, कैसे प्रोड्यूस करेंगे लाइम, अनुष्का बताओ क्या बोल रहे थे सर? मैं लाइम नहीं मैं लाइट बोली थी, लाइट LIGHT। अच्छा LIGHT लाइट सर, वी कैन टेक CaO एंड रिएक्ट इट विद H2O टू फॉर्म स्लेक लाइम। हाँ हम लोग वो कर सकते हैं, CaO है इसके साथ वाटर का रिएक्शन करवा सकते हैं, तो यहाँ से मेरा स्लेट लाइम प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है प्लस क्या होगा, H2 गैस। और क्या प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ से, मतलब इस रिएक्शन तो और क्या यूज हो सकता है सर? ये इक्वेशन जो आप लिखे वो अनबैलेंस्ड नहीं है? अच्छा यह H2 के, हाँ यह अनबैलेंस तो है, H2 नहीं होगा ना यहाँ पर, ये तो मेटल ऑक्साइड है, मेटल रहता तो मेटल हाइड्रोक्साइड का साइड हाइड्रोजन होता है। अब ठीक है ये देखो, ये CO2 मेरा क्या है, मेटल ऑक्साइड है या नॉन मेटल ऑक्साइड है? CO2 मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्साइड तो जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड तो जब वाटर में डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है सर? एसिड। एसिड तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड CO3। हाँ कार्बोनिक एसिड। तो इस रिएक्शन का कौन से इंडस्ट्री में यूज हो सकता है बताओ सर? टेक्सटाइल। अरे इसको हम लोग कॉमनली सोडा वाटर और कोल्ड्रिंक्स में नहीं यूज करते हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में डिजॉल्व किया हुआ रहता है,
इन सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जो भी हम लोग सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसमें जो एक चोटी स्मेल आता है ना, जो झांझ लगता है स्पेशली, वो किस लिए होता है? वो होता है स्पेशली CO2 के लिए। जितना कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर था ना, ओपन करते कुछ दिन के लिए रख दो, ओपन उसका जो टैप होता है, जो टाइट टैप होता है, उसको ओपन करके रख देते तो क्या होता है, CO2 गैस बाहर आ जाता है। आफ्टर सम डे सम टाइम वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आ गया, उसी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस सॉरी सॉरी भूल देते हैं। अब ठीक है? यस सर। हाँ सर। हाँ तो उसका हम लोग क्या बोल रहे थे कि वो मेरा सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 मेरा काम लगता है। तो हेवी इंडस्ट्री है ना, कोल्ड ड्रिंक्स प्रिपरेशन, सोडा वाटर प्रिपरेशन, तो ये इंडस्ट्रीज में वो काम आ जाता है। तो देखना जब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करके रख देंगे ना, तो वो CO2 गैस बाहर आ जाएगा, और CO2 बाहर आ जाने की वजह से क्या होता है, तो उसका जो टेस्ट होता है, जो झांझ वाला टेस्ट होता है, वो मेरा बाहर चला जाता है, मतलब और फिर वो स्मेल हम तो नहीं मिलता। ठीक है, फिर ज्यादातर क्या यूज हो सकता है, CO2 CO2 का यूज से हम लोग क्या बना सकते हैं, वो वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा भी बनता है ना। यस सर। ये हम लोग आइंदे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, वाशिंग सोडा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, बेकिंग सोडा हो गया मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट, वाशिंग सोडा हो गया Na2CO3, तो ये सब प्रिपरेशन भी मेरा होता है कहाँ से, CO2 से। तो इस रिएक्शन तो हम लोग इस इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ CO2 प्रिपेयर करवाए और उसको NaCl अमोनिया के थ्रू हम लोग ये पार करते हुए बना लेंगे वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये सब यूज से हम लोग इसका इंडस्ट्रियल यूज बोल सकते हैं इस रिएक्शन का। चलो नोट डाउन करो, हो जाए तो बताओ। अते आयुष अते ओके, सो आई थिंक मैक्सिमम तो हो गया है। किसी तरह नहीं हुआ है, एक बार सिर्फ वो बता दो किस तरह नहीं हुआ है सर। दो मिनट रुकिए सर। अच्छा ठीक है, अरे हाँ सर ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। पहले क्वेश्चन, व्हाट हैपेन व्हेन ग्रीन कलर्ड crystals of ferrous sulfate are heated, which term is used to represent such type of reaction? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो पहले नोट डाउन करो। They will become colorless. हुआ क्वेश्चन नोट डाउन हुआ। चलो पहले हम तो ये रिएक्शन बताओ, रिएक्शन क्या होता है इसका, कौन बताएगा? FeSO4.7H2O on heating gives us FeSO4 plus 7H2O. Fe
चलो ग्रीन बोलते हैं ना तो इसको हम लोग ग्रीन ही ले लेते हैं। PSO4 डॉट 7H2O दैट ऑन हीटिंग गिव्स अस FeSO4 प्लस 7H2O। ठीक है FeSO4 प्लस 7H2O बाहर चला आया। इसके बाद अगर फिर से हम हीट करेंगे FeSO4 तो मान लो और स्ट्रॉन हीटिंग किया दिया तो क्या फॉर्म होगा? FeSO4 तो अगर फिर से स्ट्रॉन हीटिंग किया दिया तो क्या फॉर्म होगा बताओ? ये तो इजीली हम तो समझ में आया कि ये वाटर क्या है। ये वाटर हम लोग पहले थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो कि मेरा बाहर आ गया। अब FeSO4 तो प्रेजेंट है ना उसी में, उसको तो हीट सप्लाई अभी भी हो रहा है। तो FeSO4 अगर फिर से स्ट्रॉन हीटिंग जा रहा है तो FeSO4 किस में डिकम्पोज होगा? क्या कलर पॉलिश Fe+SO4 नहीं FeSO4 तो अगर हम लोग फिर से डिकम्पोज करेंगे मतलब डिकम्पोज मतलब Fe+SO2+SO3 नहीं सद्धा पता है FeSO4 को हीट करने पर क्या होगा? सर Fe2O3+SO2+SO3। वेरी गुड Fe2O3 ये सॉलिड प्लस SO2 गैस यस प्लस SO3 गैस यस ये होता है ओवरऑल रिएक्शन। At first, FeSO4.7H2O, which is green in color. ठीक है, इसको अगर हीट करेंगे तो हम लोग तो पहले मिलेगा FeSO4, ठीक है, anhydrous FeSO4 मिलेगा। उसके बाद अगर फिर से हीटिंग किया दिया मतलब हीट सप्लाई तो अगर हम लोग नहीं स्टॉप किए कंटिन्यू अगर हीट सप्लाई करते रहे तो हम तो वहां से क्या मिलेगा? FeSO4 से मिलेगा Fe2O3, that is फेरिक ऑक्साइड। ठीक है हम तो मिलेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2+SO3 ये होता है ओवरऑल रिएक्शन। और यहाँ पर क्या पूछा है व्हिच टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ रिएक्शन तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एनहाइड्रेटिंग। हाँ एनहाइड्रेटिंग रिएक्शन anhydrating reaction or simple heat करने decompose करने decomposition thermal decomposition very good इसको हम लोग बोल सकते हैं ना thermal decomposition। ठीक है thermal decomposition चलो रिएक्शन को नोट डाउन करो। डन ओपन। एक बार हम तो बोल सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगा तो कहां पर क्या बैठेगा ये वाला। ठीक है FeSO4 इसको हीट कर ले तो ये बना। ये वाला रिएक्शन में हम लोग बैलेंसिंग के लिए क्या चेंज होता है इस पर बोल सकते हो? तो कर पाओगे बैलेंसिंग जल्दी से इस वाले रिएक्शन में? देखो सर ओनली टू इन फ्रंट ऑफ FeSO4 ओनली टू इन फ्रंट ऑफ FeSO4 हाँ सर बहुत अच्छी बात है। चलो सर व्हेन दिस क्वेश्चंस कम सर वी हैव टू राइट दैट दिस विल फॉर्म Fe2O3 SO2 एंड SO3। यस डेफिनेटली ये लिखना बट आई थिंक सर इफ द क्वेश्चन इज हियर मेंशनिंग दैट इफ द ग्रेन कलर्ड क्रिस्टल्स ऑफ पेरासल्फाइड आर हीटेड सर आई थिंक इट इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट दैट FeSO4.7H2 व्हिच इज ग्रीन इन कलर ऑन हीटिंग लूजेस इट्स कलर। So this is the phenomena they are trying to explain.
that is also tallin, that when we heat FeSO4, its green color will disappear and it will be faint color or colorless. But overall the reaction, the complete reaction is after FeSO4, FeSO4 will also decompose. Okay, and okay, it will at last form this compound. And I think this reaction is in your NCERT book. This reaction is given. Yes, sir. If I am not wrong, this question is given. So you have to write total reaction. Okay, it will be better, no? Suppose you write in your exam till this, and anyone will write up to this. So teacher will give full marks to whom? You or the person or the student who wrote to this? This to the full marks. सर हु राइट जो पूरा लिखा है ठीक है तो जब हम तो पता है पूरा रिएक्शन अगर हम तो पता है इफ आई नो ऑल द रिएक्शन टोटल रिएक्शन देन आई विल ऑलवेज राइट द टोटल रिएक्शन तुम भले थ्योरी में जो लाइन लिखो थे उसमें दो तीन लाइन कम लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन जब भी लिखना है रिएक्शन कंप्लीट लिखना है टीचर्स के पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं उतना टाइम नहीं रहता है तो वो थ्योरी पढ़ेगा लेकिन रिएक्शन वो देते थे और फुल मार्क्स बिठाएगा रिएक्शन पता है तो पूरा लिख देना ठीक है उसमें कोई मतलब कंजूसी मत करना पूरा रिएक्शन लिख देना ठीक है और किसी को कोई डाउट है इसमें चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये हो देना सबका किसी का छूटा है तो पहले वो बताओ नहीं छूटा है चलो पहले ये क्वेश्चन ठीक है चलो पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन करो एक मिनट टाइम दे दे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो फिर डिस्कस कर दे सर पार्ट पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों हाँ पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों सर वो नंबर वन में बेरियम क्लोराइड रिएक्ट से जिंक सल्फाइड लिखा है हाँ उतना भी लिखो दे तो चलेगा लेकिन दोनों क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन का नोट डाउन करो हाँ सर हो गया ठीक है चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या बोला है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट क्वेश्चन में ये बोला है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ ही साथ सिंबल देना है टू मेक इट्स मोर इंफॉर्मेटिव ठीक है तो बेरियम क्लोराइड क्या होता है नंबर वन बेरियम क्लोराइड हो गया मेरा एक्वस BaCl2 ठीक है हम लोग इंफॉर्मेशन लिखेंगे बाद में जिंक सल्फेट हो गया मेरा ZnSO4 और इधर मेरा क्या बना बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट हुआ ठीक है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट हुआ और जिंक क्लोराइड चलो बताओ बेरियम क्लोराइड यहाँ पर कौन सा स्टेट है एक्वस सर एक्वस होगा सर बेरियम क्लोराइड एक्वस जिंक सल्फेट सॉलिड एक्वस
सर एक्वस दोनों एक्वस सर लगता है दोनों ही एक्वस होगा। हाँ जब जिन सल्फेट एक्वस होगा क्यों होगा क्योंकि जिन सल्फेट के साथ डॉट समथिंग वाटर आता है ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस सर ठीक है। और बेरियम क्लोराइड जो हम लोग लेते हैं वो एक्वस लेते हैं या सॉलिड लेते हैं? एक्वस। श्योर एक्वस? सॉलिड लेते हैं। सॉलिड लेते हैं बेरियम क्लोराइड यहाँ पर हम लोग सॉलिड लेते हैं जिन सल्फेट एक्वस होता है। जब बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो ये मेरा हो गया सॉलिड और ये जिंक वाला जो है ना ये एक्वस फॉर्म में रह जाता है। ठीक है अब इसको बैलेंसिंग करो। ऑलरेडी बैलेंस तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस्ड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्युमिनियम मेटल डिस्प्लेसेस मैंगनीज। अच्छा एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस मैंगनीज। मैंगनीज एलिमेंट है सर। कौन कौन मैंगनीज? हाँ मैंगनीज एक एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में मैंगनीज प्रेजेंट है तो कहाँ से मैंगनीज तो डिस्प्लेस किया दे तो मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड मतलब हो दिया MnO2। यहाँ से क्या फॉर्म करेगा Al2O3 प्लस Mn। ठीक है सारा सॉलिड फॉर्म में ही है। ठीक है MnO2 भी सॉलिड फॉर्म में है एल्युमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में है जो फॉर्म होगा वो आल्सो सॉलिड रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। बुक में दिया है BaCl2 तो एक्वस होगा। BaCl2 तो एक्वस दिया है। यस सर एनसीईआरटी में। अच्छा और ZnSO4 तो क्या दिया है सॉलिड? सर वो नहीं दिया है। तब हम लोग यहाँ पर सर मतलब एक इक्वेशन दिया है Na2SO4 aqueous plus BaCl2 aqueous reacts to form BaSO4 solid plus 2NaCl aqueous। सर इसमें तो BaCl2 को aqueous बताया। BaCl2 हम लोग एक्चुअली सॉलिड कंपाउंड मिलता है। ठीक है aqueous दिया है तो हम लोग aqueous ले सकते ZnSO4 भी aqueous होगा। ठीक है दोनों तो एक्वस फॉर्म में लेंगे फिर यहाँ से ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा ये फिर एक्वस फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है ओके ओके। यहाँ पर बैलेंसिंग का क्या चेंज होता बताओ? एल तो सामने आ जाएगा टू ओ थ्री नहीं सर एल के सामने 6 हो यहाँ पर इस पर 2 करना पड़ेगा देन ये 4 हो जाएगा एएल के सामने 4 होगा ये से 4 होगा और ये फिर एमएन में 3 होगा यहाँ पर ये से एमएन में 3 होगा 3 हो जाएगा सर लास्ट में भी 3 होगा लास्ट में भी 3 होगा मतलब ये इक्वेशन हो रहा है 4 एएल प्लस 3 एमएनओ2 देन 2 एएल2ओ3 प्लस 3 मैंगनीज। दिस विल बी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है नोट डाउन हुआ? यस सर यस सर यस सर। चलो यस सर सब तो हुआ ना किसी तरह नहीं हुआ है वो बताओ।
ठीक है चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे थे तो क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इजी वन, हम लोग इससे पहले इसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस किए। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होता, उसी का ऑक्सीडेशन होता, वही ऑक्सीडाइज्ड होता। तो यहाँ पर वापस से रिएक्शन लिखते हैं ताकि हम लोग डिटेल्स में लिख पाए थे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। बैलेंस नहीं लिखे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। H2S होगा। ये पूरा कंपाउंड का मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है कहां पर? इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कहां हुआ है? यहां पर जाने पर हुआ है या फिर यहां पर जाने पर हुआ है? H2O। अच्छा ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो यहां से यहां जाने पर दोनों में ही हो सकता है क्योंकि सर सल्फर को हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। हाँ एकदम, यहां से यहां भी हो सकता है ऑक्सीडेशन यदि हाइड्रोजन रिमूव किया है। और रिडक्शन कहां से कहां हुआ है? सर SO2 से सल्फर के बीच में, SO2 से सल्फर में ये हो रहा मेरा रिडक्शन। अभी देखो यहाँ पर तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ भी ऑक्सीडेशन यहाँ भी ऑक्सीडेशन, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू आ रहा है। एक हो रहा है देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एक हो रहा है कि सल्फर हाइड्रोजन छोड़ दिया। तो हम लोग किसको प्रेफर देंगे? हम लोग अभी निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वाला। हम लोग अभी बताए ना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज तो रिडक्शन, हम लोग वो मेथड यूज करेंगे। सर बट 10th में ये तो है नहीं, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटते जाएगा? नहीं मार्क्स कटे करना नहीं चाहिए, ठीक है मार्क्स कटेगा नहीं, हम लोग तो अल्टीमेट बताना है ना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो होता है प्लस वन, सल्फर तो होता है माइनस टू। सल्फर यहाँ क्या है? आइसोलेटेड एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो हाइड्रोजन तो प्लस वन और ऑक्सीजन का तो नॉर्मल है माइनस टू, सल्फर का ऑक्सीजन का यहाँ माइनस टू, तो माइनस टू इंटू टू होगा और इसीलिए सल्फर का यहाँ कितना हो जाएगा? फोर। तो बेसिकली देखो सल्फर का हाइड्रोजन का कोई चेंज है यहाँ और यहाँ? हाइड्रोजन का कोई चेंज है? हाइड्रोजन का कोई चेंज है यहाँ पर? नो सर। नो सर। नहीं है, दैट मीन हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन नहीं है। ऑक्सीजन भी देखो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पर चेंज हुआ है माइनस टू से जीरो, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन। और सल्फर तो देखो यहाँ पर प्लस फोर से जीरो, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज मतलब रिडक्शन। रिडक्शन, तो रिडक्शन वाला तो सही है, ऑक्सीडेशन मेरा यही होगा H2S से S। अब तुम लोग देखो अपना जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे वहां पर क्या कर सकते हैं, देखो अच्छे से। हाइड्रोजन के साथ कौन था? सल्फर। सल्फर बाहर दिया तो ऐड कौन हुआ? ऑक्सीजन ना। अभी देखो डेफिनेशन तुम लोग क्या बोले थे, एडिंग ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन, ये बोले थे ना। लेकिन yes, यहाँ पर तो पहले से ही एक नॉन मेटल है और एक नॉन मेटल से जगह पे और एक नॉन मेटल हो रहा है और वो भी सेम वैलेंसी वाला, तो उसको तो ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर तो कोई चार्ज चेंज नहीं होगा। एडिंग ऑफ नॉन मेटल का मतलब क्या था? उसके साथ पहले कोई नॉन मेटल नहीं है, हम लोग ऐसा एग्जाम्पल दिए थे ना। yes, यहाँ पर तो पहले से ही नॉन मेटल है और उसके प्लेस में सेम कैरेक्टर का और एक आला है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन वाला डेफिनेशन के थ्रू बोलेंगे कि सल्फर हाइड्रोजन रिलीज रिमूव कर दिया तो ये मेरा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, उससे बताएंगे। ठीक है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन, ये होगा रिडक्शन। तो यहाँ से पता चल दिया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ? सल्फर, दैट मीन H2S। कौन रिड्यूस्ड हुआ? SO2।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया खुद रिड्यूस हुआ, अपना रिडक्शन किसका हुआ SO2 का, तो ये हो जाएगा मेरा ये रिड्यूस इटसेल्फ ऑक्सीडाइज अदर्स, दैट मीन इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? हाँ सर। इस बात को देखो, ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पर थोड़ा समझ। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड तो दोनों एक ही सेम होगा। सब्सटेंस नहीं, तीन सेम होगा। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? सॉरी, रिड्यूस्ड तो SO2 है। ओके ओके। हाँ ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, तो सारे डेफिनेशंस तो है लेकिन कुछ डेफिनेशंस फ्लैश करेंगे तो फिर हमको कैसे निकालना है, इसको भी ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ तो सेम मतलब नॉन मेटल ही बाहर जा रहा है फिर नॉन मेटल ही आ रहा है, तो उसके लिए तो ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते ना, तो ये डेफिनाइट चेंज चाहिए, तो यहाँ से यहाँ आना डेफिनाइट चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? नो सर। नोट डाउन किए? नो सर। ठीक है, ओके। तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी क्लास में इससे आगे हम लोग फिर रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस। ओके सर। ओके सर। कोई टॉपिक में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है तो इस बार लास्ट पूछ सकते हो, देख लो। नहीं है? ठीक है, चलो ओके। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर एज सच अच्छे से समझ नहीं आया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन? हाँ सर। ये तो था मेटल नॉन मेटल, ये वाला। इसमें देखो, जब भी मेटल और नॉन मेटल, जब भी मेरा मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा है, जब भी रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेटल के साथ नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो इट इज अ ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल के साथ मेटल ऐड हो रहा है इट इज अ रिडक्शन। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन, तो ऑलवेज इट इज अ रिडक्स रिएक्शन। समझे? हम लोग रेडॉक्स किस तो बोलते हैं, रेडॉक्स का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, एंड रिडक्शन ये रहा टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो मेटल तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, नॉन मेटल तो रिडक्शन हो रहा है, और वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं हमेशा मेटल और नॉन मेटल का जो एडिशन होता है वो मेरा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, वो मेरा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो सर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है उसमें ऐसा लिखेंगे ना, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सर। ओके ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।